बालाकोट भाया ने मैं कोट नहीं किया तेरे टैलेंट की तारीफ। थैंक यू सर। प्रॉपर ब्लॉगर, इनकी तारीफ। रेड ब्रेड हो गया यार, समोसा बन गए मेरे पाऊ का ठंडे पानी से। स्टैंड बाय, पीछे के लोग काम करिए। रोल कैमरा एंड एक्शन। वेलकम टू माई चैनल फैशन एंड व्लॉग। और आप तो जानते ही होंगे मैं हसनात अली और मुझे है ट्रैवलिंग का बहुत ही ज्यादा शौक। मेरे पूरे करता है मेरा काम, जिसकी बदौलत बचता है हमारा नाम। मैंने अपने इंटरव्यूज में इतना टाइम लगा तो मैं हमेशा की तरह आया हुआ था शूट पे। इस दफा मेरा सफर जो था वो था बालाकोट। बहुत प्यारा शहर है। जब हम लाहौर से निकले तो गर्मी थी, यहाँ पे आके चेक टेबल। और जो आप देख रहे हैं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। वीडियो बनाने के लिए हीरो ने जस्ट एक्शन लगाया। और मैं आपको बता रहा था कि हम थे शूट पे, नवीना जी के शूट पे। जी हाँ, और ये नवीना एक सरिये की कंपनी है। जितना नरम इसका नाम है उतना ही सख्त इस सरिये का काम है। जो काम करने आए वो करें, आप पहले व्लॉग देख लें। जी तो मेरा ब्लोटर अली भाई ने कर दिया है बहुत प्यारा, और मैंने कलर भी रिफ्रेश करा लिया है। जाने के लिए मैं रेडी हूँ, नीचे गाड़ी भी आ गई है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, हाय, थैंक यू ब्रो। ओके ब्रो, निकलूं मैं फिर? सही है, सबको बाय बाय। ओके साइरस, बाय, थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा कलर कर दिया, अच्छा लग रहा है। यस यस, व्लॉग बना रहे हैं हम। ये हमारे रिसेप्शन और ये खान साहब। चलें जी। यस, तो राणा जी हमें लेने आ गए। राणा जी हम किधर जा रहे हैं? बालाकोट। बालाकोट कब तक पहुँचेंगे? तकरीबन 7-8 घंटे का ट्रैवल है हमारा। तो मैं अभी लाहौर में, 12 बज गए। हमारे साथ सीन क्या हुआ, तो ये हमें इन्होंने गाड़ी दी, 5 बंदे हम। मुझे लगा, मुझे जो बताया गया था वो 3 था। ये हमें करोला दी गई पहले, तो हम 5 बंदे इसमें जस्ट नहीं हो सके। सही है। तो अब जो हमारी गाड़ी आ रही है वो बड़ी है, हाईएस्ट, वो सामने खड़ी है, तो उसमें हम चिल मारते हुए जाएंगे। हमें ये गाड़ी मिली है खुली डुली, मतलब आप हम जाएंगे सोते हुए स्कूल से। हम चलती है एबटाबाद के लिए। रास्ता लंबा था, कोई 8-7 घंटे का। और मैं ट्रेवल बड़े शौक से करता, मतलब कि आप तरह तरह के लोग देखते हो और खुदा की कुदरत देखते हो। और मैं आपको अपना सीन बताता जाऊँ तो मैं साथ काम भी करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ज्यादा मजा। लाहौर से निकले हो गई है और हमारे जो बिस्करे हैं वो सारे जाग गए हैं। हेलो गाइस, सारे सुबह गुड मॉर्निंग। यहीं पे है, ये है पाइन ट्रैक, ये हमारा होटल। और वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया जनाब, जा रही है अंकित तो बोलो पल्ले नहीं रही तुम्हारी अंकित। तो ये हमने कर दी गाड़ी पार्क, और ये देख सकते हैं आप मेरे सामने कितना मजेदार पहाड़ है। कर दो आगे, बता दें उनको जब बार बार फोन कर करके हमारी लेनी की हुई थी। चलो ला लो भी कि थक गए ऐसी बैठ आगे कमाते 6 घंटे लाते। तो बिस्मिल्लाह, बालाकोट पाया ने मैं कोट। तो ठंड जड़ी है वो थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी भी नहीं है। टेम्परेचर 15 है, तो पूछते हैं क्या सीन है। नज़ारे तो मज़ेदार ही लग रहे हैं मुझे। सूजी सूजी आँख मेरी। आ जाए जनाब, वेलकम टू बालाकोट। अच्छा जी, सीन ये है कि मैं भी रेडी हूँ, सारा टैलेंट भी रेडी है। अब हम निकल रहे हैं लोकेशन पे, तो लोकेशन पे क्या होता है ये दिखाते हैं जाके। ये सामने जो है वो डायलॉग बाजी हो रही है। यस बॉस, ये है हमारा प्रॉब्लम, ठीक हो गया, यही है पर मामूली सा पंप किया अभी। और कट के बाद हम आए तो जी बॉस हुआ है, एकदम कैमरा है जी बॉस। जरूरी था, मैंने कहा बॉस ने गिला कर दिया, ये तो खत्म करना है। नहीं, मैंने तो बस मेरे का यार
कि एंड तक वो सारी मैंने बनाई। इस दफा मैंने सारी बना ली है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अजय जी फर्स्ट मार्क्स, स्टैंड बाय, ओके एक्शन, रोलिंग एक्शन। तू आ गया बिच। आजे बॉस, आजे सब लोग वापस आ जाए अपने अपने माप पे। सुबह से काम कर लिया था, काम तो दोस्त चलता ही रहता है। अब टाइम आ गया था अपनी चवले मारने। आजा आजा मेरे भाई आजा। और ये है एक्स टैलेंट के बेताब बादशाह, जो के अब दयानतदारी से उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये मैं भाई को कैच करते हुए ध्यान से ब्रो, अगर गिरेगा ना तो मेरा एक फनी क्लिप बनेगा, तो वो बहुत वायरल होगा यकीन कर। अगर तू गिर जाए तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। कमीने, नहीं गिरा तू। तो नई बात आ रहा है ये बंदा, इसको मैंने कहा कि भैया तुझे लग जाएगी, हम नज़ारे ले रहे हैं यहाँ पे, कि मेरी वीडियो बना दे, मैंने थंबनेल के लिए मुझे पिक्चर्स वगैरह बना दे। लेकिन ये बंदा मेरी नहीं मान रहा, ये अपनी बना रहा है। वो देखो मतलब उसको ले के बैठ ही गया है कि भाई तूने ना, इसको पता ही नहीं था वो भैंस की तुम। मैं भी फिर गुस्सा कर लिया, रखिया अपना बैग, लाती मैं अपनी जैकेट, पीछे पीछे हो जो। आप सोच रहे होंगे मैं डुबकी लगाने लगा था, तो आप गलत थे। पानी चेक करते हैं। कूल, वेरी कूल। तो जनाबे आला, मेरे जो पाँव हैं वो मैं इसमें डिप करने लगू। समंदर चलता हुआ, हवाएं ठंडी, बहुत ठंडा है यार, बहुत ठंडा है। मेरे पाँव रेड रेड ब्रेड हो गया यार, समोसा बन गए मेरे पाँव का ठंडे पानी से। ले मैंने अपने पाँव दलदल में फंसा लिए, अब मुझे नहीं पता मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। ओ ये है कि मेरे पाँव का फिसल हो गया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरे पाँव का फिसल कैसा हुआ है और कैसा नहीं। ये बड़ी एक टेक्निकल बात है, बहुत कम लोगों को पता होती है ये, कि अगर आप इस तरह के हल्के से पानी में, जैसे ये पानी बहुत ठंडा है तो मिट्टी जो है वो नीम गर्म, आप देख सकते हैं कितने शीशा हो गए मेरे पाँव। तो आप भी यहाँ पे एबटाबाद में आएँ, सॉरी बालाकोट में आएँ, और इस तरह अपने पाँव को डिप करें और पेडीक्योर करा के इंजॉय भी करें, पेडीक्योर भी कराएं और चिल भी करें। हमने तो बहुत मज़ा किया भाई। बस सॉरी, कैसी फीलिंग आ रही है इधर देख के बता, मैं तेरी शक्ल दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को कि तू तेरी फीलिंग कैसी है। उंगलियां काम करनी छोड़ गई है, छोड़ गई है ना, हकीकतन इतना ठंडा पैर देखा मेरे कितने लाल हो रहे। हिम्मत नहीं हारनी बेटा, तूने हिम्मत नहीं हारनी, हमारे पड़ जाएंगे, काटने नहीं पड़ जाएंगे बेटा, ऐसा टाइम नहीं आएगा। पानी वाकई बड़ा ठंडा है, जो यहाँ पे बालाकोट में रहते हैं उनको पता है कि ये जो नदी चल रही है इसका पानी किस तरह का है। बर्दाश्त हो रहा है, अब आदि हो गए थोड़े से ना, नीचे जाता है तो थोड़ा नीम हो जाता है ना जी। तो सूरत हाल गाइस ये है कि सुबह से शाम हो गई है, सूरज आपके सामने नीचे जाता जा रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी लास्ट टेक पे लगे हुए, मतलब काफी टाइम हो गया, मैं तो थक गया हूँ बैठ बैठ के। तो अभी का आज का जो मेरा दिन था व्लॉग का वो हो गया ख़त्म जी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि शूज पैकअप हो गया है और मैं अपने रूम में आ गया हूँ। ये मुझे रूम दिया गया है VIP, और मैं कल नहीं ये थे सोना ना, कोई मेरे नाल नहीं का, तो मैं पता है कैसे सोऊंगा, मतलब खुल्ले डुल्ले होके चिल मार के। और अब मैं आपको दिखाता हूँ के इस रूम के बाहर क्या दिखता है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब खुल गया दरवाज़ा, मैंने दो तो लॉक लगाए हुए हैं, और ये खुल गया दरवाज़ा, और ये मैं आपको, वाह इज अमेजिंग, मतलब सुबह उठते ही यहाँ पे क्या नज़ारे होंगे। तो ये हमारी टीम जो है वो नीचे बैठ के लंगर शंगर कर रही है, तो बड़ा मज़ेदार सीन है। नहीं जी बिल्कुल ओके हो गया, बंचा आपका देख लें प्यारा लग रहा है, रेडी। तो अब हम निकल रहे हैं आगे आज की लोकेशन के लिए। जी जनाब कैसे हैं आप? ओ
और कैसी सेहत। पीछे का सारा व्यू है हा? जी दोस्तों, तो आपको पता है शूट पे है मैं, बिल्कुल झील मेरे साथ बह रही है, ठंडा पानी आ रहा है और मुझे मौका मिला, एक बड़ी प्यारी सी छांव मिली, तो मैं रखा अपना बिस्तरा से शुरू हो गया। आपको बताया नहीं अभी तक, मैं बताता चलूँ आपको कि मैं आया हूँ नवीना के शूट पे। नवीना सुनने में कैसा नाम है वैसे, मैं आपसे एक कमेंट में ज़रूर बताना। नवीना जो है वो एक सरिये की कंपनी का नाम है। किसका? सरिये की। और इस कमर्शल में होता ये है कि जैसे इसका लिंक जो है वो मैंने दिया हुआ अपना डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके कमर्शल देख सकते हो। तो अब ये खुद आप देखें कि यार कितना ब्यूटीफुल व्यू। और आपको पता है मुझे इन सब चीजें देखने के पैसे देने नहीं पड़ते, बल्कि मुझे लेने होते हैं। पीछे के लोग काम कर रहे हैं। And action! लास्ट सीन चल रहा है और मुझे इन पहाड़ों से निकल के वो आगे जाना है। तो सीन ये है कि इसके बाद फिर हम निकल जाएंगे लाहौर के लिए। तो शूट खत्म। ऑडियो माइक उतार दो। पैकअप हो गया पर किसी ने बोला ही नहीं है। चलो, तो हमारा सफ़र एपनाबाद का यहीं पे हुआ ख़त्म। तो मैंने कहा मैं व्लॉग भी अपना यहीं पे ख़त्म करता जाऊँ, ताकि रास्ते में मुझे ये ना हो कि यार वीडियो बनानी है। खैर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तक वॉच करने का, वीडियो देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब तो करते जाओ यार।